वो मुस्लिम लीग के जो सदर हैं वो अगर जेल में ये ऐलान कर दें, पहली जिंदा यानी बीवी उनकी रिपोर्ट ये है, अल्लाह करे जिंदा रहें, वो ये ऐलान कर दें कि मैं जेल से रिहा होते ही 3 और करूंगा, सैकड़ों लड़कियां कतार में लग जाएंगी, हालांकि कोई पता नहीं है जेल से निकलेंगे भी के नहीं निकलेंगे। लड़कियां कहेंगी हमारा फायदा इसमें, एक आदमी के बीवी बन जाए, 15-15, 16-16 साल की लड़कियां और वालदैन पेश कर देंगे जो गरीब लोग हैं खास तौर पे, वो बोलेंगे यार हमें और क्या चाहिए, महल मिलेगा शाही रायवण में, हो सकता है एक बंगला हमारे नाम हो जाए। फिर ये लोग गैर मुस्लिम एतराज करेंगे, मुसलमानों में बुड्ढे बुड्ढे लोग 15-15 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, ये जुल्म है भाई, जुल्म है तो वो लड़की क्यों कर रही है। एक ईसाई खातून थी, स्काइप पे मुझसे बात की उसने इंग्लिश में, ट्रांसलेशन लेटर बैठी हुई थी कोई खातून, वो कहने लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की लड़की से निकाह किया है, ये तो लड़की पे जुल्म है, ये तो याशी। मैंने कहा आप मुझे बताओ, अगर हजरत ईसा अलैहि सलाम आज आ जाएं और आपकी कोई बेटी हो 15 साल की या 9 साल की जो बालिग हो चुकी हो 12 साल की, और ईसा अलैहि सलाम जिनको आप नबी मानते हो वो वाकई मजहबी खातून थी, तो आप अपनी बेटी उनको दे दोगी? उसने कहा मैं भी 12 साल की, मैं निकाह कर लूंगी बेटी तो बाद में, अगर मैं 15 साल की हुई, चूंकि वो अल्लाह के क्या हैं, ईसा हैं भाई, अल्लाह के पैगंबर हैं, उनमें थोड़ी एज देखी जाएगी कितनी उम्र के हैं, पैगंबर की बीवी बनना कौन पसंद नहीं करेगी। तो मैंने कहा जिसको यकीन था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने बीवी बनना पसंद भी किया, उनके बाप ने दिया भी, और सारी जिंदगी उस पर खुश रही हैं, और जिनको आपकी नबूवत पे शुबा है वो कह रहे हैं यार 50 साल के होके शादी किससे की, भाई जब वो खुश है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है। एक दफा किसी ने वीडियो भेजी कुछ अरब बुड्ढे की ना, 90 साल का, वो बिल्कुल सूखे हुए नहीं होते बूढ़े, ऐसा बुड्ढा, उसकी कहीं शादी की खबर आई कि 15-16 साल की लड़की से शादी की है उसने, और वो दुल्हन बनी हुई बैठी है उसकी बीवी, तो बोल रही देखो ये है इस्लाम। मैंने कहा ये क्यों कर रही है, इससे पूछो ना। हालांकि सऊदी अरब में तो लड़कियों को यहां की निस्बत आसानी से जवान लोगों के रिश्ते भी मिल जाते, तो ये इंकार कर देती, हमसे मशवरा लेती, हम कहते भाई जब जवान है तो बूढ़े, हम जैसे जब जवान मौजूद हैं तो बूढ़े से क्यों कर रही हो, हम मशवरा देते, लेकिन वो हमारे मशवरे को कबूल वो खुद नहीं कर रही ना, उसका बाप कर रहा है, इसलिए कि उस बूढ़े से शादी में उसको इतने फायदे नजर आ रहे हैं, वो अरबपति बूढ़ा है, तेल के कुओं का मालिक है, लड़की बेचारी कहीं औरंगी टाउन की गरीब लड़की होगी, वो सऊदीया का औरंगी टाउन, वो कह रही छोड़ो यार इतना पैसा मिल रहा है। मुमकिन है कोई खातून कहे ये कैसा पैसा भाई हमें तो नहीं चाहिए, तो आपको नहीं चाहिए तो आप ना करें, किसी को इस्लाम ने मजबूर थोड़ी किया है, अक्सर खवातीन को वाकई पसंद नहीं आता और आना भी नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हो भाई बूढ़े से, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो ये उस पर जुल्म नहीं है, बल्कि उसके साथ एहसान है कि उसको शरीयत ने ऑप्शन दिया है कि भाई निकाह में बहुत सारी मसलहतें, तो तुम किसी भी कोई भी मसलहत हासिल करना चाहो तो तुम्हारे लिए रास्ता खुला हुआ है। ये मसलहतें जब ही हासिल हो सकती है कि जब मर्द को ज्यादा निकाहों की इजाजत दी जाए और औरत के लिए सिलेक्शन क्या हो, आसान, सप्लाई के मुकाबले में डिमांड बढ़ जाए, उससे औरत की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू इसलिए कि औरतों के लिए रिश्तों की कमी नहीं होगी, मर्दों के लिए रिश्ते कम पड़ जाएंगे, जो अच्छे अच्छे मर्द थे वो सारे चार चार करके बैठे हुए हैं, और जो हीरोइन जी चर्सी बेरोजगार वो छड़े वो गटर के ढक्कन पे बैठे हुए, यही होता था पहले। आप अपने बाप दादाओं से जाके पूछो, जो रिश्ता लेने आते थे जूते घिसा के बेटी देते थे उनको, कभी भी तलाश नहीं करते थे, अब बाकायदा चिराग लेके दामाद ढूंढे जा रहे हैं, उल्टा मामला हो गया, अब मर्दों के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, इसलिए उसके नखरे बहुत हैं। पहले ऐसा होता था कि यार कोई बेवा हो तो मैं निकाह करूं, सहाबा के दौर में ऐसा होता था, कुरान से पता चलता है कि सहाबा इंतजार में होते थे कोई बेवा हो तो इद्दत पूरी होने से पहले पैगाम भेज दिया करते थे, कुरान ने कहा इद्दत पूरी होने तो फिर बेगो पे, और मैंने अपनी किताब में वाकयात लिखे हैं कि एक औरत को तलाक हुई, बेवा हुई, दर्जनों रिश्ते आए हुए और बेहतरीन से बेहतरीन, ये तसव्वुर नहीं था कि अखबार में इश्तिहार दिया जाए या किसी से दुआ की दरख्वास्त की जाए, तो इस्लाम को कोई सही जाके पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा इस्लाम दीन।